जो आई है वो अब तक मैंने नहीं सुना है, ट्रस्ट मी। 506 इज लाइक बियॉन्ड। वेलकम टू एबीकेएस फ्रेंड्स। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। मतलब लास्ट टाइम आई डोंट रिमेंबर कि दीज मेनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैव हर्ड, मतलब जब से मैं मतलब सुन रहा हूँ या देख रहा हूँ। ठीक है, अ लॉट ऑफ वैकेंसीज। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन देख लिया होगा तो आपको ये चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल अंडरस्टैंडिंग जो है चीज़ों का कि वैकेंसीज कितनी है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कुछ डाउट्स होते हैं उसके बारे में, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। फिर एक बार मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली इफ़ यू आर अ कम्प्लीटली न्यू कमर, या आप वीडियो देख सकते हो ये समझने के लिए कि भाई ओके नोटिफिकेशन आ गया मतलब क्या होता है, क्या पोस्ट होती है, क्या वैकेंसीज है, किस तरह से चीज़ें हैं। लेकिन 4 अगस्त द डे ऑफ एग्ज़ाम उन्हीं लोगों के लिए नोटिफिकेशन है जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इन सिंगल वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग कि भाई मेरा अप्रोच और सब कुछ कैसे होना चाहिए। ठीक है, सो फिर एक बार मैं बताना चाहूँगा, वी हैव दिस यू नो न्यूज़ दैट नोटिफिकेशन इज आउट एंड इट्स रियली रियली अ ग्रेट न्यूज़। द रीज़न बिंग वी आर गॉट 506 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। दिस इज काइंड ऑफ अनबिलीवेबल स्टफ बिकॉज मतलब 350, अभी मुझे मेरे कलीग ने बताया कि 2018 में कुछ 460 थी, लेकिन वो पहले कुछ 300 ही थी या 320 या ऐसा कुछ, और उसके बाद वो कुछ बढ़ गई थी 100-150, है ना? तो बाद में जो बढ़ गई है वो अलग बात, खैर वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये स्टार्टिंग में ही इतने जो आई है वो अब तक मैंने नहीं सुना है, ट्रस्ट मी। 506 इज़ लाइक बियॉन्ड। हम लोग कल परसों डिस्कस कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि 300-350 के अराउंड हमेशा की तरह जिस तरह से आती है, बिलो 400 ओनली, लेकिन इस बार दे आर टू मच। सो सिर्फ BSF में खाली 186 है, CRPF 120, CISCF जो होते हैं बहुत, उनको CISCF चाहिए होता है, तो वो भी अच्छी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी आर वेरी गुड। मतलब आप लोगों को पता होगा कि कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जिन लोगों को पता होगा कुछ साल 150 वैकेंसीज भी आई है, बिलो 200, राइट? तो उस केस में आप सोचो ये दुगने से भी ज़्यादा है, राइट? 58 इन ITVP एंड 42 इन SSB, राइट? सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज दिस मच एंड दिस इज अ ह्यूज ह्यूज फिगर। तो मुझे लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात आपको बोलनी चाहिए कि भाई अभी नहीं तो फिर मतलब, राइट? सो इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड देन यू आर गोइंग टू बी वेरी लकी, राइट? सो बस अपने टेम्पो को मेंटेन कीजिए। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, एज लिमिट जो है, जो न्यू कमर्स है, न्यू कमर्स इन द सेंस शायद प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता है किस तरह से वर्कआउट होता है, तो बता देता हूँ कि बिटवीन 20-25 आप होने चाहिए, ये देख लो एक बार। मतलब 2 अगस्त 1919 के पहले का आपका बर्थ नहीं चाहिए और 1 अगस्त 2004 के बाद का भी आपका बर्थ नहीं चाहिए, तो 20 से 25 के बीच में आपका एज लिमिट है ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, राइट? बिलो 25 ईयर्स इफ़ यू बिलोंग टू SC और ST कैटेगरी, हाँ, तो आपको 5 साल का एक्सटेंशन मिलता है, मतलब बिलो 30 आप हो सकते हो। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का है, राइट? और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयड थे सिविल सर्विसेज में, सिविल जॉब्स में, या फिर जो एक्स सर्विसमैन भी होंगे उनके लिए भी मैक्सिमम जो है वो 5 साल का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है, राइट? सो इट्स लाइक नॉर्मली इट इज़ 25, बिलो 25 फॉर SC ST इट इज़ 30 फॉर एक्स सर्विसमैन एंड सिविल सर्विस, मतलब सॉरी सिविलियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए बिलो 30, और OBC जो है उनके लिए 3 साल का एक्सटेंशन, मतलब बिलो 28 यू शुड बी इफ यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन जो है वो पूरा चाहिए टू राइट दिस एग्जाम, राइट? तो UGC अप्रूव्ड जो कॉलेजेस है उसमें से आपका ग्रेजुएशन चाहिए।
आपका ग्रेजुएशन अगर आपने कहीं ओपन यूनिवर्सिटी से भी खत्म किया है तो अभी इट इज़ वैलिड, है ना। पकड़ लीजिए इग्नू या कुछ स्टेट रिकॉग्नाइज्ड आपकी यूनिवर्सिटी है जो ओपन है, आप वर्किंग थे इसलिए आप फुल टाइम कॉलेज नहीं कर पाए, लेकिन आपका ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन है तो वो भी ग्रेजुएशन यहाँ वैलिड है, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। इतना ही नहीं, अगर आप थर्ड ईयर में, या थर्ड ईयर बोलना गलत है एक्चुअली, फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, क्योंकि आपका जो मतलब रिज़ल्ट जब आता है, मतलब अगर आप क्वालिफाई हो गए तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं उस वक्त आपका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो चुका होता है, तो आप प्रोविजनल कुछ भेज सकते हो, ठीक है। और उसके बाद व्हेन यू गो टू इंटरव्यू तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आप उनको अपना मार्कशीट या रिज़ल्ट जो भी है वो दिखा सकते हो कि मैं ग्रेजुएट हूँ। हाँ, तो अगर आपके पास आपका उस वक्त प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं आया और आपने प्रोविजनल सबमिट किया तो भी वो एक्सेप्ट करते हैं, और बाद में आप उनको लिख के दे सकते हो कि जब फाइनल आ जाएगा आई विल सबमिट टू यू। तो अगर आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है तो भी आप एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। ओके, जो बातें मैं बता रहा हूँ पकड़ लो, उसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं भी आई है, नीचे नंबर दिया गया है, यू कैन जस्ट गिव अ कॉल टू अस, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस, विल बी सॉल्विंग इट फॉर यू, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएशन यू कैन बी एनी ग्रेजुएट, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, एनीथिंग, एनी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, इट्स कम्प्लीटली फाइन। इवन द ओपन यूनिवर्सिटी, इट्स कम्प्लीटली फाइन। डिप्लोमा नहीं, डिग्री, ओके, ग्रेजुएशन, प्रॉपर ग्रेजुएशन। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के रिगार्डिंग हम लोगों ने ऑलरेडी प्रॉपर वीडियो बनाया है, तो उसके बारे में हम लोग अभी यहाँ बात नहीं करने वाले हैं। सिर्फ मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका 4th of August को दो पेपर होंगे। एक होगा पेपर वन जो कि 2 hours का होगा, 125 questions into 2 marks each, मतलब टोटल 250 marks, ओके। और पेपर टू होगा, बाय द वे ये जो है ये MCQ बेस्ड होगा और ये आपका रिटर्न होगा। पेपर टू रिटर्न होगा, ये 3 घंटे का होगा और ये 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200, ये टोटल 450 मार्क्स का आपका रिटर्न का एग्जाम सेम डे ये दोनों पेपर होंगे। मॉर्निंग सेशन में फॉर एग्जांपल 9:30 के आसपास कुछ आपका ये होगा, और उसके बाद दोपहर में 2 से 5 ये आपका रिटर्न पेपर होगा 3 घंटे का, सेम डे पे आपका होगा। अगर आप पहले पेपर में क्वालिफाई करते हो तो ही आपका पेपर टू चेक होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स जो होते हैं, लेकिन टोटल मार्क्स कैलकुलेट होते हैं आपके। यहाँ क्वालिफाई करोगे तो ही ये चेक होगा, फिर ये चेक होगा, फिर इसके मार्क्स प्लस इसमें जितने मार्क्स मिले वो, प्लस 150 मार्क्स फॉर इंटरव्यू। तो ये रिटर्न प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जो है इनको मिला के आपका 600 में से आपका कितना आया उस पर डिसाइड होता है आपका फाइनल लिस्ट में नाम, और आपको कौन सा पोस्ट मिलता है जो आपने प्रेफरेंस में डाला होता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द एग्जाम पैटर्न, राइट। और जो डिटेल्स है वो हमने सेपरेटली जो अलग अलग वीडियोज़ बनाए हैं तो उसमें हमने बात किया है कि भाई एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, किस तरह से उसके साथ डील करना है, ठीक है। तो पेपर वन में आपको पता होना चाहिए। अगर हम मतलब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं और सिलेबस की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर पेपर वन की हम बात करते हैं तो इसमें आपको ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस जो है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ, स्टैटिक पार्ट, पॉलिटी है, ज्योग्राफी के साथ एनवायरनमेंट भी पूछा जाता है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड है, ठीक है। इतना सारा सिलेबस जो है वो आपको है व्हेन इट कम्स टू पेपर वन। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। अगर हम पेपर टू की बात करते हैं तो इसका कोई सिलेबस नहीं है, यहाँ हम जो कुछ पढ़ते हैं वो हमको इस विजन से पढ़ना है, इस दृष्टि से पढ़ना है कि हम पेपर टू में उसको इस्तेमाल कर सके। यहाँ आपको एक्चुअली क्वेश्चन पेपर में जहाँ यहाँ जैसे यहाँ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे,
इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड। यहां आपको ए से आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट, ए से चार आर्ग्यूमेंट दो रिपोर्ट दो, एक प्रेसी एक कॉम्प्रेहेंशन और ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस अराउंड 25 पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200-250। ये आपका सिलेबस है। ये इसके साथ ये जो है इसका कुछ सिलेबस नहीं है, लेकिन इसको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। कैसे ऐसे लिखना है, कैसे आर्गुमेंट लिखना है, ये आप समझ गए, आप थ्रू है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। जस्ट गो थ्रू एवीकेएस यूट्यूब चैनल एंड वॉच द वीडियोज विच यू थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ। ठीक है, सो दिस इज द सिलेबस। ऑल इन ऑल 3APF इज रेडी फॉर यू। देखिए, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सर अभी फिर नहीं होगा क्या। आपको ऑलरेडी जो सीरियस कैंडिडेट है उसको ऑलरेडी डेट पता था, उसको ऑलरेडी सिलेबस पता था, एग्जाम का पैटर्न पता था। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी आपको ये बोल रहे हैं कि इफ यू आर फेसिंग एनी ट्रबल यू कैन ज्वाइन अस, वी कैन टुगेदर मेक अ डिफरेंस, राइट। अगर आपका थोड़ा बहुत भी प्रिपरेशन है, थोड़ा बैकग्राउंड है, तो वी हैव अ बैच फॉर यू, यू कैन ज्वाइन दिस पेपर टू ऑफलाइन बैच जो 5th में से स्टार्ट हो रही है। 45 डेज की फुल टाइम बैच है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ना कि ये आपका पेपर वन का थोड़ा भी कॉन्फिडेंस होगा तो ही ज्वाइन करना, क्योंकि उसके सिवा इसका मज़ा नहीं है। 45 डेज में आपको लगेगा नहीं सर लेकिन मेरा पेपर टू हो जाएगा, अगले साल भी दूंगा, तो 45 डेज में पेपर टू करके भूल जाओगे। उससे अच्छा तो जो हमारा फुल ईयर का जो बैच होता है पेपर टू का, जो उसके बाद एग्जाम के बाद शुरू हो जाएगा तुरंत, उसको ज्वाइन करना फिर। लेकिन अगर आपका पेपर वन अच्छा खासा चल रहा है और आपको पेपर टू में थोड़ा भी लग रहा है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, तो इन 45 डेज में यू कैन मेक अ डिफरेंस, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस आपसे करवा लेंगे, टेस्ट सीरीज भी होगा। ये दिल्ली हैदराबाद दोनों जगह पे अवेलेबल है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर पेपर टू में इशू है तो बहुत सारे बच्चों का पेपर वन ऐसे भी अच्छा होता है क्योंकि वो सीडीएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सो वी आर ऑलरेडी डूइंग गुड इन पेपर वन, लेकिन पेपर टू इज़ अ प्रॉब्लम। सो वी आर हियर फॉर यू। ऑलरेडी हम लोगों का ऑनलाइन बैच भी है जो अभी कल मतलब शुरू होगा तुरंत इस आने वाले वीक में, राइट। तो बट इफ यू थिंक दैट यू आर कंफर्टेबल विद ऑफलाइन बैच, देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन ऑफलाइन बैच, राइट। सो दिस इज फ्रॉम आर साइड। ट्रस्ट मी, 506 इज अ ह्यूज नंबर। इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो फ्रॉम योर हैंड, मेक इट काउंट। You will surely find your name in the recommended list if you are already preparing and serious about this, right? And if you have got any trouble, we are there for you. हम लोग आपके लिए खड़े हैं। आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, हम आपके लिए खड़े हैं अभी भी। अगर पेपर वन का प्रिपरेशन सही से आप ऑलरेडी थोड़ा सा कर रहे हो तो पेपर टू वी कैन डील विद इट इवन नाउ, बिकॉज अगर पेपर वन का अच्छे से चल रहा है तो पेपर टू के लिए एक्स्ट्रा मेहनत आपसे करवा सकते हैं, राइट। सो थिंक अबाउट इट, टेक योर कॉल। थोड़ी देर के लिए शांति से बैठो, लंबी सांस लो, अपने आप को समय दो, अपने आप से बात करो। अगर आप उस क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहे हो, जैसे कि मैंने बोला कि प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है या अच्छे स्पीड में चल रहा है, ऑलरेडी कुछ दिन पहले हमने PDF शेयर किया है, आप उसको देखो, डाउनलोड करो और देखो कि ओके, इसमें से मेरा 60-70% 80% सिलेबस खत्म हो गया है, तो आई कैन डील विद इट, देन दिस एग्जाम इज़ फॉर यू। पेपर टू अगर थोड़ा वीक है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी बैच ज्वाइन करके आप उसको अच्छे से बना सकते हो। आई एम देयर फॉर यू इन ऑनलाइन बैच। ऑफलाइन बैच में भी बहुत अच्छे फैकल्टी आपको पेपर टू पे काम करवा के देंगे। सो थिंक अबाउट इट, टेक योर कॉल एंड यू नो फुलफिल योर विशेस, राइट। सो दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू गॉट एनी इशू, लेट अस नो ऑन दीज नंबर्स एंड विल बी देयर फॉर यू। इसके अलावा भी कुछ डाउट्स है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस। विल बी डेफिनेटली कमिंग बैक विथ यू नो अदर वीडियोज़ फॉर दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच।